नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने से हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान पाए गए पदार्थ की पुष्टि PETN विस्फोटक के रूप में हुई है। घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान विधायकों के अलावा कोई नहीं आ सकता है। साथ ही योगी ने मांग की है कि इस मामले की जांच NIA से कराई जाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चीन से गतिरोध व कश्मीर के हालात की जानकारी दी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए कदम उठाया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे बवाल मच गया है। सुशील मोदी ने लिखा, जब कोई बिना मूछ वाला निर्भया जैसा जघन्य बलात्कार कांड कर सकता है, तब कोई कागजी हेराफेरी से संपत्ति क्यों नहीं बना सकता। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 26 से 27 जुलाई को बीजिंग जाएंगे। डोभाल वहां ब्रिक्स देशों के NSA की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे चीनी स्टेट काउंसलर यांग जीची के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार ने लखनऊ में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांगी। पहले वे बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती से मिलने उनके ऑफिस पहुंची और साथ ही कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी व राज बब्बर भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं मीरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीर छोड़ा है। उन्होंने एक ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला किया है। विज ने कहा है कि राहुल गांधी दिमाग से बिल्कुल खाली हो गए हैं। राहुल नानी के घर गए थे लेकिन वहां जाकर भी उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर आप तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करते हैं तो उसे सरकार के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर M. वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस बार की थीम कुछ अलग होगी। गुजरात के मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों के भरवाड़ और राजपूत समुदायों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है जबकि 5 लोग घायल हैं। वहीं पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के आदेश के अनुसार दोनों जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन में छपे गवर्नमेंट एट ग्लांस 2017 नाम के सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 75% भारतीय अपनी सरकार और उसकी नीतियों पर भरोसा करते हैं। इस लिस्ट में कुल 15 देशों को जगह दी गई है जहां ग्रीस सबसे कम 13% के साथ नीचे है। वहीं भारत 75% के साथ ऊपर है। भारत के बाद कनाडा और तुर्की और रूस का नाम भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिज मैक्रो पर एक अजीबोगरीब टिप्पणी की है। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिज मैक्रो मिले तो ट्रंप ने कहा कि क्या आप जानती हैं कि आपकी शेप कितनी बेहतरीन है। हालांकि 64 साल की ब्रिज ने ट्रंप के इस कमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया। चीन के पश्चिमी शहर काशनगर में अब मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने से पहले मेटल डिटेक्टर के सामने से गुजरना होगा। ये शिनजियांग प्रांत की उइगर मुस्लिम आबादी पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लागू नई व्यवस्था है। इससे पहले इस मुस्लिम बहुल प्रांत में दाढ़ी रखने और खुले में नमाज पढ़ने पर रोक थी। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आया है। इस नए अपडेट के बाद अब आप किसी को भी फाइल्स भेज सकते हैं। हालांकि सिर्फ 100 MB तक ही फाइल भेजी जा सकती है। इससे पहले व्हाट्सएप ने PDF फाइल भेजने का फीचर दिया था लेकिन शुरुआत में व्हाट्सएप में किसी भी तरह की फाइल भेजने का ऑप्शन नहीं था। साल 2013 में जब IPL खेला जाएगा तो 2 साल का निलंबन झेल रही चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टूर्नामेंट में वापसी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो अभी से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दावा किया है कि अब भी उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े लक्ष्य हैं और वो ही टीम के सबसे अहम कड़ी रहेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में कलेक्टर ने बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार के पैतृक मकान को तोड़ने पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले नगर निगम ने मकान के पीछे के हिस्से को जर्जर होने के कारण खतरनाक करार देते हुए इसे गिराने के लिए भवन पर नोटिस चस्पा दिया था। कॉमेडियन तन्मय भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। तन्मय ने प्रधानमंत्री मोदी के एक हमशक्ल की तस्वीर पोस्ट की है जो रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इसके साथ ही तन्मय ने स्नैपचैट का डॉग फिल्टर भी लगाया है। तन्मय के इस पोस्ट पर मुंबई के साइबर सेल ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।